हार्दिक पंड्या का पहला ओवर डालना गलत फैसला था। जी नहीं, मुझे लगता है कि वो एक यूजुअल प्रैक्टिस है उनकी, जो वो जीटी में भी करते आ रहे हैं, क्योंकि बॉल स्विंग कराते हैं, शायद उसके बाद में वो दूसरे गेंदबाज से बॉलिंग करा सकते थे, ल्यूक वुड जो बॉल स्विंग कराते हैं, तो आई डोंट थिंक वो गलत डिसीजन था। बुमराह के डबल विकेट वाले ओवर ने मुंबई को मैच में आगे कर दिया था। जी हाँ बिल्कुल, और बुमराह ने वो कहीं ना कहीं उनको गेम में ले आया, और ये क्वालिटी हमको पता है कि बुमराह यू नो पजेस करते हैं बाकी सारे बॉलर्स के मुकाबले। साई सुदर्शन की धीमी पारी की वजह से गुजरात 25 रन कम बना पाई। जी नहीं, मुझे लगता है कि इस विकेट पे कोई ऐसा बड़ा स्कोर नहीं बना, तो जो रन्स बने एक्चुअली वो साई सुदर्शन की कहीं ना कहीं इनिंग्स की वजह से भी बने। रोहित और ब्रेविस की साझेदारी का टूटना मुंबई की हार का कारण बना। जी नहीं, मुझे लगता है कि उसके बाद में जो कुछ हुआ वो मुझे लगता है कि प्रोबेबली रीजन था कि हार्दिक पांड्या ऊपर नहीं आए, उन्होंने टीम डेविड को भेज दिया, प्रोबेबली वो शायद रीजन हो मुझे लगता है था। उमरजाई की जगह उमेश को आखिरी ओवर देना बेहतरीन फैसला साबित हुआ। जी हाँ, आई मीन बाद में तो बोल ही सकते हैं, उस वक्त ऐसे लग रहा था कि शायद, क्योंकि उमेश यादव माने नहीं जाते हैं डेथ बॉलर अच्छे, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट ये बताता है कि वो अच्छा फैसला था। मोहित शर्मा बदकिस्मत है कि भारत के लिए ज्यादा नहीं खेला। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कमाल के परफॉर्मर है, जब जब मौका मिलता है एक ऐसा लगता है कि वर्क हॉर्स है, और वो मेहनत का उनको फल मिलता देख के अच्छा लगता है।